अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ पाइथन कोर्स। उम्मीद है आपने पाइथन का कोर्स प्रीवियस वीडियो देख लिया होगी, कोर्स स्टार्ट कर लिया होगा और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लिया होगा ताकि आप पूरी जर्नी मेरे साथ सीख पाए, पूरी जर्नी में लर्निंग हासिल कर पाए। तो जैसे मैंने कहा था, आज की इस वीडियो में हम अपना पूरा सेटअप लगाएंगे, पाइथन का पूरा ऑप्शन डाउनलोड करेंगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और जो जो चीज़ हमें ज़रूरत है पाइथन को इस्तेमाल करने में वो सारी स्टार्ट करेंगे। उन सब से पाइथन का अपना छोटा सा एक पहला प्रोग्राम लिखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, एक एनवायरनमेंट सेट करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी मोर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज कहें आप स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आप को जैसे मैंने कहा कि आज हम एक इंटरप्रेटर डाउनलोड करेंगे और पाइथन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला हो। तो पाइथन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली पाइथन इंस्टॉल गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए और यहाँ पे डाउनलोड पाइथन की आपको ये जो लिंक मिल जाए ये URL के साथ, तो आप ओपन कर ले सिंपली। और ऐसे ही आपको अगर विंडोज़ पे आप तो ऑटोमेटिकली विंडोज़ की लिंक आ जाएगी, तो डाउनलोड पाइथन करें। 3.11 वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। शायद आगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, अगर आप कुछ देर के बाद वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा टाइम एक दो महीनों के बाद या कुछ भी महीनों के बाद, तो आपको कोई नया वर्जन हो तो आप लेटेस्ट वर्जन स्टार्ट कर डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम सिंपली अपने पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए जैसे ही आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे तो यह आ जाएगा, ये आपको फाइल मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो जैसे ही मैं फाइल को ओपन करूँगा तो डाउनलोड करना शुरू करेंगे। तो सिंपली जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हैं वैसे ही ये ओपन होगा, रन करेंगे। ओके, सो उसके बाद ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इंस्टॉल नाउ पर सिंपली आपने क्लिक करना है। ये पाथ पाइथन exe तो पाथ ये जो ऑप्शन है इसको आप छोड़ दें, डाउनलोड करें। ये आपको स्क्रीन पे यस का बटन आएगा तो उसको आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यस को क्लिक करेंगे आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो तब तक वेट करते हैं, आगे शायद और भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो उसके बाद तब तक रुकते हैं, तो वीडियो को स्किप कर लेते हैं। ओके, सो इसने प्रोग्रेस बार अपना कंप्लीट कर लिया है और जैसे ही प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो जाएगा हम जाएंगे ओके और ये बस फिनिश। ओके, अब जैसे ही पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया है इसने, हम जाएंगे पाइचाम पे। अब पाइचाम क्या है? पाइचाम एक इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर क्या होता है? सिंपली हम इतने गूगल है सर्च कर लेते क्यों, व्हाट इज इंटरप्रेटर। अब जैसे ही पता चल जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा। वैसे पाइथन एक IDE है, IDE फुल फॉर्म हम देखेंगे। तो पाइथन एक का ये जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं पाइथन के साथ, पाइथन हमने डाउनलोड कर लिया। अब जो जिस पे हम पाइथन चलाएंगे वो है पाइचाम। अब इसका क्या है? IDE है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE क्या करेगा? हमारा ये जो सॉफ्टवेयर हमने पाइचाम किया है, पाइचाम इसका नाम है, ये हमारा एक IDE है, पूरा एक एनवायरनमेंट देगा कि हम पाइचाम के विद इन रह के पूरा पाइथन का हम अपना प्रोसेस करें, पाइथन सीखें, पाइथन पे अपने सॉफ्टवेयर्स बनाएं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे। इसका अच्छा फीचर यह है कि पाइचाम को आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत से फीचर्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप एक कुछ भी ऑप्शन लिखते हैं, छोटा सा कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो जो हमारा IDE है, हमारा जो पाइचाम एक सॉफ्टवेयर है, ये पाइचाम हमें ऑटोमेटिकली सजेशन देगा कि हाँ आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो हमें टाइप करने नहीं पड़ेगा। जैसे हम नोट पैड पे या फिर नॉर्मली अगर हम कोडिंग करेंगे तो हर एक वर्ड टाइप करना पड़ेगा। इस पर आपको सजेशंस मिलेंगी, आपको ऑटो कम्प्लीशन के ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये आपके लिए IDE जो है एक एनवायरनमेंट पूरा बना के रखेगा और आपके लिए बहुत ही सिंपलिसिटी से काम करने की सलाहियत देगा। और ये भी है कि IDE होने के साथ साथ पाइचाम एक इंटरप्रेटर है जो इसका मेन काम है इंटरप्रेट करना। अब ये क्या इंटरप्रेट करता है ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो पाइचाम है
ये जो आईडी ही है पाइचाम वाला, ये एक इंटरप्रेटर होता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, ये वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जो भी हम कोड लिखते जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। एक तो कंपाइलर होता है जो हम कोड लिखते हैं तो एक ही झटके में सारा कोड कंपाइल कर लेता है, सारा कोड कन्वर्ट कर लेता है मशीन को एग्जीक्यूटेबल में, एक बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर हमें दिखाता है रिजल्ट्स। पर इंटरप्रेटर सिंपल है, जैसे ही हम कोड लिखते हैं उसी वक्त उसी रन टाइम में हमें उसी एनवायरनमेंट के अंदर हमें रिजल्ट्स देता है, और लाइन बाय लाइन हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे मैंने कहा था पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब वो लैंग्वेज, वो जीरो और वन के नंबर्स जो कंप्यूटर समझता है, एज सिंपल एज दैट। तो बस इतना ही है, और अब बस पाइथन इंस्टॉल करते हैं। पाइथन तो हमने कर ही लिया है, पाइथन को जैसे ही खोलेंगे, मैंने डाउनलोड कर लिया है। वैसे आप एक मिनट, अगर पाइचाम को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा तो पाइचाम सिंपली इंस्टॉल लिख लें, और यहाँ इंस्टॉल पाइथन पाइचाम पे जाएं, और ये एक मिनट, इंस्टॉल पे नहीं जाइएगा, डाउनलोड पे जाइएगा, ये जो सेकंड वाला है, ये वाला डाउनलोड पाइचाम आईडी, ये एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देने वाला है, एक आईडी है। तो आपको प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल तो ये पेड है, पर कम्युनिटी है, तो प्रोफेशनल तो बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए मीन्स एक अलग ही है। पर अगर आप पाइथन में आए हैं तो बड़े बड़े काम आप कम्युनिटी वाले पे कर सकते हैं, ये फ्री है, सबके लिए फ्री है, अपडेट होता रहता है, नए नए ऑप्शंस पे, हर बहुत सारे ऑप्शंस ये ओपन सोर्स से लाता रहता है। तो ये आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा और चलते हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे अब मैं चलता हूँ यहाँ पे डाउनलोड के लिए। तो ये था पाइचाम हमारा, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे चलता है। ये आप रन करेंगे जैसे सॉफ्टवेयर आपने पाइथन को किया था, वैसे ही सिंपली इसको रन करना है और खोलना है। सो लेट्स वेट जब तक ये रन हो जाए। आपको ये येस का बटन देगा तो आप क्लिक कर लीजिएगा, और ये उसके बाद ये आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट करेंगे, सिंपली नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल करना शुरू हो जाएगा। बस नेक्स्ट 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 करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, बस सिंपली चलता रहेगा। सो लेट्स वेट टिल देन, जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम बैठते हैं और स्किप कर लेंगे इसको। लीजिए तो पाइथन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और हम बस फिनिश करते हैं, और इसके बाद हम पाइचाम को ओपन करेंगे, और पाइचाम को ओपन करते ही हम अपना पहला प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम। और अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, आपने प्रोग्राम के बारे में देखा होगा, तो आपको पता ही होगा कि पहला प्रोग्राम हर प्रोग्रामर क्या रन करता है, कौन सा होता है हर प्रोग्रामर का पहला प्रोग्राम, यही देखते हैं। सो इम्पोर्ट पाइचाम सेटिंग, ये मेरा प्रीवियस था, तो प्रीवियसली जो मैंने सेटिंग की तो वो पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, ओके कर लेता हूँ और चलते हैं। ये ओपन हो रहा है, तो जैसे ये ओपन होता है हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उस प्रोजेक्ट पे हम अपना पहला पहला प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ये हो जाए तो देखते हैं, जब तक ये ओपन होता है। तो ये हो गए, और देखें कि ये न्यू प्रोजेक्ट हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये ऑप्शंस हैं, ये न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट पे आप नहीं जाइएगा, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। तो आइए आप प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर पे, हम इंटरप्रेटर पे काम करेंगे, वर्चुअल वाले इंटरप्रेटर पे नहीं, एड इंटरप्रेटर पे जाइए, लोकल इंटरप्रेटर पे क्लिक कीजिए, सिस्टम इंटरप्रेटर पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, और ये क्रिएट कीजिए, डेट्स ऑल। और ये आपका एक इन्वायरमेंट जिसपे आप कोडिंग अच्छे तरीके से करें, वो आपका इन्वायरमेंट वैसा बन जाएगा, और आप अच्छी तरह से अपना कोड लिख पाएंगे। सो चलिए, जब तक ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो तब तक हम देखते हैं
तो या बन चुका है हमारा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हम ओपन करते हैं और शुरू करते हैं। ये देखिए, तो जैसे जिस तरह हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है तो ये नज़र आता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ये एक कोड लिखा हुआ होता है और ये फाइल बनी हुई होती है। तो फिलहाल इसको रिमूव करते हैं क्योंकि अभी अभी ये है कोड एडवांस टॉपिक का कॉन्सेप्ट। अभी अब समझेंगे तो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल एक छोटा सा फंक्शन। फंक्शन क्या, पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो उनमें से एक होता है प्रिंट फंक्शन। अब मैं पी आर देखे पी जैसे पी लिख रहा हूँ तो वैसे ही ये सजेशन में हमारे पास आ रहा है प्रिंट फंक्शन। एंटर क्लिक करूँ या इसके ऊपर क्लिक करूँ, पूरा का पूरा हमारा सिंटेक्स हो जाएगा। पर अगर आप उस पर होंगे ना प्रिंट, और ये देखिए पूरा का पूरा सिंटेक्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है, ऑटो कंप्लीट हो रहा है और सजेशन में भी आ रहा है। तो उसके अंदर प्रिंट फंक्शन ये कहता है, ये टास्क कंप्लीट करता है कि इसके अंदर जो भी हम लगाएंगे वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं वन करता हूँ तो ये वन को प्रिंट कर लेगा। वन अगर आप 1 + 2 भी करें, ये कैलकुलेटर की तरह भी चलता है। अगर 1 + 5 करें तो ये देखें 6 आ गया, ये प्रिंट ऑटोमेटिकली हो रहा है। 7 + 9 करें तो ये 16 कर रहा है। अगर ये देखें, प्रिंट का सिंपली टास्क ये है कि ये रिजल्ट्स को हमारे पास शो करवाता है। तो प्रिंट का हम टास्क ये है, ये फंक्शन है प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन है। आगे हम दूसरे भी देखते हैं। तो ये तो इंटीजर किया है, अगर मैं इसके अंदर इंटीजर मतलब नंबर किया है तो इसके अंदर मैं अगर कोई टेक्स्ट करवाना चाहता हूँ तो टेक्स्ट के लिए हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन करते हैं। ये अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना समझ लें। आगे की अगली क्लास में हम सिंटेक्स को पूरा समझेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल ये अब समझ लें कि सिंगल कोट, ये देखें हमने 2 बार सिंगल कोट करना होता है। पर अगर आप एक ही बार में यहाँ पे सिंगल कोट या फिर डबल कोट लगाएंगे तो ये ओपनिंग वाला भी और एंडिंग वाला भी दोनों साइड से आ जाएगा। सी ऑटोमेटिकली ये हमारा फंक्शन कंप्लीट कर ले रहा है। तो जैसे ही आप ये डबल कोट वाले बटन पे या फिर सिंगल कोट लगाएंगे, डबल कोट में लगा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये लग जा रहा है। तो इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड, हर प्रोग्रामर का ये पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड, बहुत ही अच्छा होता है और एक इंस्पायरेशन होता है कि हाँ आज से हमने पाइथन की या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जर्नी स्टार्ट कर ली है। तो हमने तो पाइथन की है। तो ये देखिए ये बटन है रन मेन, ये मीन्स रन टाइम में हमारे पास उसी टाइम ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर जाता है। तो ये इस लाइन पे आएगा, ये लाइन बाय लाइन जाता है तो ये फर्स्ट लाइन को देखेगा क्या है फर्स्ट लाइन में, तो उस लाइन को देखेगा, उसको उसी वक्त ये प्रिंट कर लेगा। ये देखे और प्रिंट करके ये रिजल्ट देगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड। ये देखे ये आ रहा है ना। तो इसी वजह से ये है प्रिंट वाला फंक्शन और ये हमारा पहला प्रोग्राम। तो आगे हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, सिंटेक्स अगली वीडियो में समझ रहे हैं। तो तब तक के लिए आप ये पाइथन हमारा अपना स्टार्ट कर लें, लेटेस्ट वर्जन पाइचाम भी ये पूरा फॉलो करके समझ लें, डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। अगली वीडियो से अपना सीट बेल्ट बांध लें और चलते हैं हम अगली वीडियो में सिंटेक्स बना लें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।